अब बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बनने तो आई थी हीरोइन, पर उसके साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने उसे फिल्मों से 3 साल के लिए दूर कर दिया। हुआ यूं कि सन 1942 में आई फिल्म जंग की आजादी की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म की एक्ट्रेस थी ललिता पवार, साथ में थे भगवान दादा। एक सीन शूट हो रहा था जिसमें भगवान दादा जोर से थप्पड़ मारते हैं ललिता पवार को। ललिता जी ने अपने इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो न जाने भगवान दादा को क्या हुआ कि दादा ने इतनी जोर से वो थप्पड़ ललिता पवार के गाल पे जड़ा कि वो गश खा के जमीन पर गिर पड़ी और हाफ चेहरा पैरालाइज्ड हो गया। एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसी थप्पड़ की वजह से उनकी बाईं आंख भी जाती रही। इस घटना ने उन्हें आने वाले 3 सालों तक फिल्मों से दूर कर दिया। 3 सालों के बाद जब वो ठीक होकर वापस लौटी तो चेहरा बिगड़ चुका था। हीरोइन बनने का सवाल ही नहीं था, लेकिन काम तो करना था और काम चाहिए था, इसलिए स्ट्रगल किया तो उन्हें सिर्फ कैरेक्टर रोल ही ऑफर होने लगे और इस तरह लीड एक्ट्रेस बनने की चाह रखने वाली ललिता जी सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर में ही दिखाई देने लगी। ललिता जी कहती हैं कि इस घटना की वजह से उन्हें सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने हम उम्र देवानंद दिलीप कुमार जैसे हीरोज की मां के रोल करने पड़े। ये सब बातें स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी माना कि यह एक्सीडेंट उनके लिए एक तरह से फायदेमंद भी रहा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में शायद उनका करियर इतना लंबा नहीं चलता जितना इस एक्सीडेंट के बाद उनका चेहरा और खराब आंख हो जाने की वजह से चला। ललिता जी के साथ हुई इस घटना से लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/suhanasafarwithannukapoor। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।